प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। हर कोई इस त्योहार को धन से जोड़कर देखता है, पर क्या आपको पता है कि धनतेरस का नाम धनतेरस क्यों पड़ा और इस त्योहार के पीछे आखिर मान्यता क्या है? इस पूरे संबंध में बता रहे हैं इंदौर के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित कपिल महाराज। न्यूज 18 के सभी दर्शकों को नमस्कार, उनको प्रेम भरा आशीर्वाद। कहते हैं कि धनतेरस वो त्योहार कहा गया है जिस दिन भगवान धन्वंतरी का प्राकट्य हुआ था। लोग धनतेरस को इस भाव से देखते हैं कि इस दिन हमें सोना चांदी या ऐसी कोई वस्तु विशेष हमें खरीदनी चाहिए जिससे हमारे घर में धन की प्राप्ति हो। मगर कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया। अगर आपके जीवन में भगवान ने आपको इतनी सुंदर काया भेजी है, वो काया ही आपकी निरोगी नहीं रहेगी तो ऐसा धन किस काम का। इसलिए धनतेरस अगर आप मनाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले अपनी काया को शुद्ध करिए, तब जाके धनतेरस के महत्व को समझ पाएंगे। कहते हैं जब भगवान शिव ने और देवता और दानवों के द्वारा जब समुद्र मंथन हुआ था, जब कश्यप अवतार आए थे, तब उस समय भगवान धन्वंतरी का भी प्राकट्य हुआ था और उस समय धन्वंतरी अमृत कलश लेकर आए थे। इसी दिन से धनतेरस का महत्व कहा जाता है। इसलिए अपने जीवन में अपने शरीर को स्वस्थ रखिए। हाँ, हम मुख्यतः अगर देखा गया है कि व्यापारी वर्ग के हिसाब से हम लोग सोना चांदी विशेष ये खरीदते रहते हैं, मगर ये खरीदिए, मगर उससे पहले आप अपने शरीर को स्वस्थ रखिए। आप अपने शरीर को स्वस्थ रखने के सूत्र को अगर जान गए तो उससे बड़ा धन क्या है। इसलिए सबसे पहले अपने शरीर को शुद्ध करिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखिए। यही धनतेरस का असली महत्व है और यही धनतेरस की असली मान्यता भी है।